नमस्कार, मैं सुवर्णा। न्याय टीवी में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। कोर्ट राउंडअप की खबरें अब विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र राज्य को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के आधार पर राज्य में बैलगाड़ी दौड़ आयोजित करने की अनुमति दे दी। जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की पीठ महाराष्ट्र की विशेष अनुमति याचिका में अंतरिम आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसे 2018 में राज्य में बैलगाड़ी दौड़ के आयोजन के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा पारित रोक आदेश को चुनौती देते हुए दायर की गई थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पॉक्सो एक्ट का मकसद नाबालिगों को एक अलग वर्ग मानना है, ताकि यौन उत्पीड़न या छेड़छाड़ या दुर्व्यवहार के मामले में गंभीर और कठोर नतीजे भुगतने पड़े। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने धारा 376, 376 डी, 506 आईपीसी और 34 सहपठित पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत दर्ज एक मामले में दो आरोपियों को जमानत देने से इनकार करते हुए ये टिप्पणी की। मामले के तथ्य ये थे कि 17 वर्षीय शिकायतकर्ता की आरोपी सूरज से एक अन्य याचिकाकर्ता लाल मोहम्मद और उसकी भाभी के माध्यम से मुलाकात हुई थी। दोनों में दोस्ती हो गई, जिसके 2 से 3 महीने बाद सूरज उसे जंगल में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंदिरों के निर्माण मरम्मत के लिए मुगल शासकों द्वारा रियायतें देने की नीतियों से संबंधित 12वीं कक्षा की इतिहास की किताब में एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित सामग्री को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता को फटकार लगाई। मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की खंडपीठ ने शुरुआत में टिप्पणी की, हम सरकार की वर्तमान नीतियों को तय करने में असमर्थ है और आप शाहजहां और औरंगजेब की कुछ नीतियों में त्रुटि की ओर इशारा कर रहे हैं। क्या इसे तय करना हाईकोर्ट का काम है? बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसके पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ एक विशेष जांच दल एसआईटी द्वारा अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी। देशमुख भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। राज्य ने सीबीआई निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल के नेतृत्व में देशमुख के खिलाफ चल रही सीबीआई जांच पर आपत्ति जताई थी। राज्य ने दावा किया कि जायसवाल महाराष्ट्र के पूर्व डीजीपी हैं और पुलिस अधिकारियों के स्थानांतरण और पोस्टिंग की देखरेख करने वाले पुलिस स्थापना बोर्ड पीईबी का हिस्सा थे, इसलिए जांच निष्पक्ष नहीं हो सकती। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस नीरल आर मेहता की खंडपीठ ने कहा कि यही समय है जब एक रिट कोर्ट ये विचार करे कि भारतीय दंड संहिता की धारा 375 का अपवाद 2 स्पष्ट रूप से मनमाना कहा जा सकता है और एक महिला के यौन स्वायत्तता के मौलिक अधिकार को उसकी पति की इच्छा के अधीन बनाता है। वर्तमान मुकदमे में कई अन्य बड़े मुद्दे उठाए गए हैं, जिन पर विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है। रिट याचिका में भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 की संवैधानिकता को मनमाना अनुचित और संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 19 और 21 का उल्लंघन करने वाला मानते हुए चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता ने यह भी तर्क दिया है कि छूट 2 महिला के शारीरिक निजता और यौन स्वायत्तता के मौलिक अधिकार को उसके पति की मर्जी के अधीन बनाती है। गुजरात हाईकोर्ट ने मंगलवार 14 दिसंबर को भारतीय दंड संहिता की धारा 375 के अपवाद 2 की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी की धारा 375 बलात्कार को अपराध बनाती है। हालांकि इसके अपवाद 2 में उस व्यक्ति को छूट दी गई है जो अपनी पत्नी का बलात्कार करता है यदि उसकी उम्र 15 वर्ष से कम नहीं है। यूएपीए की धारा 4 के अनुसार एक एसोसिएशन को गैरकानूनी घोषित करने से सरकार के फैसले की पुष्टि एक ट्रिब्यूनल द्वारा की जानी चाहिए। इस एसोसिएशन को गैरकानूनी घोषित करने के लिए पर्याप्त कारण है या नहीं, ये तय करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार को 30 दिनों के भीतर इस तरह के एक न्यायाधिकरण का गठन करना होगा। इसके अलावा धारा 5 ऐसे न्यायाधिकरण के गठन का प्रावधान करती है जिसमें एक व्यक्ति शामिल हो। ये ध्यान दिया जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति को तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता है जब तक कि वो हाईकोर्ट का न्यायाधीश न हो। केंद्र सरकार ने सोमवार को जाकिर नाइक के इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन की गैर कानूनी एसोसिएशन स्थिति पर फैसला करने के लिए
दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल से मिलकर एक सदस्यीय न्यायाधिकरण का गठन किया। ये ध्यान दिया जा सकता है कि केंद्र सरकार ने पहले ही इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन 15 नवंबर 2021 को एक गैर कानूनी एसोसिएशन घोषित कर दिया था। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1967 यूएपीए की धारा 4 के आदेश के अनुसार इस ट्रिब्यूनल का गठन किया गया। केरल हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि एक इंटरफेथ मैरिज से पैदा हुए बच्चे को भरण पोषण देने के लिए बच्चे का पिता कानूनी रूप से बाध्य है। न्यायमूर्ति ए मोहम्मद मुस्ताक और न्यायमूर्ति कौसर एडप्पागत की खंडपीठ ने कहा, हमें एक अंतर धार्मिक इंटरफेथ कपल से पैदा हुए बच्चों को उसके पिता से भरण पोषण का दावा करने के कानूनी अधिकार से वंचित करने का कोई कारण नहीं दिख रहा है, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि ऐसे पिता को अपने बच्चों का भरण पोषण करने के लिए बाध्य करने वाला कोई विशिष्ट वैधानिक प्रावधान नहीं है। एक पिता के माता पिता के तौर पर कर्तव्य को निर्धारित करने के लिए जाति, आस्था या धर्म का कोई तर्कसंगत आधार नहीं हो सकता है। माता पिता द्वारा अपनाए गए अलग अलग धर्म या आस्था के बावजूद सभी बच्चों के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए। तमिलनाडु और पुदुचेरी बार काउंसिल ने दो वकीलों के खिलाफ पेशेवर कदाचार और फुल टाइम नौकरी होने के तथ्य को दबाने के लिए निषेधात्मक आदेश पारित किया। इस संबंध में 15 दिसंबर को जारी एक अधिसूचना में कहा गया कि काउंसिल ने अधिवक्ता विमल कुमार के खिलाफ अधिवक्ता अधिनियम की धारा 35 के तहत पेशेवर और अन्य कदाचार के आधार पर एक प्रस्ताव पारित किया। परिषद को उक्त अधिवक्ता के विरुद्ध धन की हेराफेरी करने तथा एक महिला और उसके बौद्धिक रूप से अक्षम पुत्र को जान से मारने की धमकी देने की शिकायत प्राप्त हुई थी। अपनी शिकायत में महिला ने आरोप लगाया कि एडवोकेट कुमार ने उससे कई सोने के गहने हासिल किए, उसकी संपत्ति के दस्तावेजों का दुरुपयोग करने का प्रयास किया और उसके पति के जाली हस्ताक्षर किए। शिकायत दर्ज होने के बाद बार काउंसिल की अधिसूचना में कहा गया कि वकील ने 2 सितंबर को एक अन्य वकील के साथ शराब के नशे में पुनमल्ली बार एसोसिएशन के परिसर में प्रवेश किया और कोर्ट परिसर के अंदर एसोसिएशन परिसर में कहर बरपाया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरे धर्म के 2 युवकों की अवैध हिरासत से एक हिंदू नाबालिग लड़की का पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस के सुरस्त रवैये पर निराशा व्यक्त करते हुए मंगलवार को डीजीपी और पुलिस आयुक्त सीपी लखनऊ को मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। न्यायमूर्ति विकास कुंवर श्रीवास्तव की खंडपीठ ने डीजीपी और सीपी लखनऊ को नाबालिग लड़की को बरामद करने और 23 दिसंबर को अदालत के समक्ष पेश करने का निर्देश दिया। अदालत का यह निर्देश 14 वर्षीय लड़की की मां द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर आया। इसमें आरोप लगाया गया कि उसकी बेटी पूनम मिश्रा का वारिस और फरीद नाम के 2 व्यक्तियों ने अपहरण कर लिया है। मां की ओर से कहा गया कि भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 363 366 के तहत एफआईआर दर्ज करने के बावजूद पुलिस द्वारा लड़की का पता लगाने का कोई प्रयास नहीं किया जा रहा है। फिलहाल बस इतना ही। अन्य खबरों के लिए जुड़े रहिए न्याय टीवी के साथ। नमस्कार।